क्लास गुड मॉर्निंग। तो टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 11.1। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ आपको गिवन होगी, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में 7.6 सेंटीमीटर गिवन है, एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8। और उस लाइन सेगमेंट को 5:8 रेशियो में क्या करना है, डिवाइड करना है। देन वी हैव टू मेजर द टू पार्ट्स, और जो हमारे दो पार्ट्स आएंगे उनकी लेंथ को मेजर करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी, तो लेट अस सी। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमें लेंथ गिवन होती है उस लेंथ की हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लेट ए बी हमें एक लाइन गिवन है 7.6 सेंटीमीटर की। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इस लाइन को 5:8 रेशियो में क्या करना है, डिवाइड करना है। जब भी किसी भी लाइन सेगमेंट को आपको किसी भी रेशियो में डिवाइड करना है, तो आपको सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या करना है, उस लाइन सेगमेंट के नीचे एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है, लाइक दिस। ये आपका एक एक्यूट एंगल बन गया, बी ए एक्स। ओके, एक्यूट एंगल बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, जो आपको रेशियो गिवन है 5:8 रेशियो गिवन है, तो आप इनको ऐड कर लीजिए, 5 + 8 = 13। आपको क्या करना है, इस लाइन पर, इस रे पर, ए एक्स पर आपको 13 आर्क्स लगानी है, 13 आर्क्स। ठीक है, ए पॉइंट पे कंपास रखिए, ये हमारी पहली आर्क, दूसरी आर्क, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, 13th। इस टाइप से आपको क्या करना है, 13 आर्क्स लगानी है, और इन आर्क्स की लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। आप इनको नाम दे सकते हो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13। ओके, आफ्टर दैट अब आपको क्या करना है, जो 13th आर्क है उसको आपको B से ज्वाइन कर देना है, लाइक दिस। आफ्टर ज्वाइनिंग A13 to B, आपको क्या करना है, A5 से, 13 से हमने ज्वाइन कर दिया बिकॉज रेशियो हमारा 5:8 गिवन था, तो फिफ्थ आर्क हम लेंगे। फिफ्थ आर्क से आपको क्या करना है, A13 B के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, A13 B के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, जब आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दोगे तो आप देखोगे कि ये AB को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, लेट इस पॉइंट का नाम है C। ओके, सो नाउ दिस पॉइंट C डिवाइड्स AB इन द रेशियो 5:8। ये पॉइंट सी क्या करता है, AB को 5:8 रेशियो में डिवाइड करता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ होनी चाहिए 7.6 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी 7.6 सेंटीमीटर, दिस 7.6। ओके, ये हमारी लाइन सेगमेंट है AB, हुज लेंथ इज 7.6 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू मेक एन एक्यूट एंगल। अब हमें क्या करना है, एक एक्यूट एंगल बनाना है, BAX, लेट दिस इज अवर एक्यूट एंगल BAX। ये हमारा एक्यूट एंगल हो गया BAX। ओके, अब हमें क्या करना है, इस एक्यूट एंगल पर, ये हमारा एक्यूट एंगल है BAX, इस AX रे पर आपको 13 आर्क ड्रॉ करनी है, छोटी छोटी आर्क्स लगानी है। ठीक है, 13 आर्क आपको ड्रॉ करनी है, लाइक दिस। फर्स्ट आर्क, सेकंड आर्क, थर्ड आर्क, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट, नाइन, टेन, 11, 12 एंड एट लास्ट 13। आप देख सकते हो ये हमने 13 आर्क ड्रॉ कर चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको क्या करना है, इन आर्क का नेम दे देना है। ओके, लेट फर्स्ट आर्क हमारा पॉइंट हो गया A1, सेकंड पॉइंट हो गया हमारा A2, थर्ड पॉइंट हमारा हो गया A3, फोर्थ पॉइंट इज A4, फिफ्थ पॉइंट इज A5, सिक्स A6, सेवन A7, एट A8, नाइन्थ A9, 10th A10, 11th A11, 12th A12, 13th A13। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, लास्ट वाला जो पॉइंट है A13, उसको B पॉइंट से ज्वाइन करना है। ज्वाइन A13 to B, A13 को B से ज्वाइन करिए, लाइक दिस। A13 को B से हम ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस रेशियो का जो पहला वाला हमारा पॉइंट होता है 5, उस फिफ्थ आर्क से आपको क्या करना है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है A13 B के पैरेलल। तो ये पैरेलल लाइन किस टाइप से ड्रॉ की जाती है,
लुक हियर, पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है, ए थर्टीन से, ठीक है, आप कंपास को कितना भी ओपन कर सकते हो, ए थर्टीन से आपको एक आर्क लगानी है लाइक दिस। ओके, आपको ए थर्टीन से एक आर्क लगानी है, सेम आर्क आपको फिफ्थ पॉइंट से लगानी है, सेम आर्क आपको फिफ्थ पॉइंट से लगानी है लाइक दिस। ओके, इस आर्क को लगाने के बाद आपको क्या करना है, इस एंगल को मेजर करना है कि ये एंगल हमारा है कितना। इस एंगल को मेजर करने के लिए आपको यहाँ पे कंपास को कंपास को इस पॉइंट पर रखिए, ठीक है, और सेकंड को बी ए थर्टीन पर जहाँ पे इसने इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट तक मेजर करिए लाइक दिस। ठीक है, आप देख सकते हो ये हमने एंगल मेजर कर चुके हैं, सेम एंगल आपको इस आर्क से यहाँ पे लगा देना है। ओके, लाइक दिस। नाउ अब आपको क्या करना है, ए फाइव को इस पॉइंट से, ए फाइव को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देना है लाइक दिस। ओके, सो यहाँ ए फाइव से आपने जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है बी ए थर्टीन के, लेट ये ए बी को सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। नाउ दिस पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 5:8। ये पॉइंट सी आपका क्या करता है, ए बी को 5:8 रेशियो में डिवाइड करना है, करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 5:8 रेशियो में डिवाइड करने पर इसकी क्या लेंथ आती है। तो अगर हम ए सी पार्ट की लेंथ को मेजर करें तो ए सी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ए सी की वैल्यू, ये जो रेशियो दे रखा है 5:8 है, इट मीन्स 5 टोटल पार्ट 13, ठीक है, और लेंथ टोटल 7.6। तो यहाँ से हमारी ए सी की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करिए आप इसको, 5 × 2 = 10, 38, 38/13 2.9 सेंटीमीटर। तो ए सी की लेंथ हमारी 2.9 सेंटीमीटर आनी चाहिए, ठीक है, एंड बी सी हमारा क्या आना चाहिए, 8/13 × 7.6, सेम एज इट इज़, ये हमारा 4, ये हमारा 5। ओके, तो सॉल्व कीजिए इसको, आपको 4×6 = 24, 2 × 4×7 = 28, 3×0/13 × 5 = 65। तो जब आप ये चेक करोगे तो आपकी बी सी की जो लेंथ है वो आपकी आएगी 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है जी, ये आपकी बी सी की लेंथ आ गई 4.7 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे मेजर करेंगे कि ए सी हमारी लेंथ कितनी आती है और बी सी हमारी कितनी आती है। तो ए सी लेंथ हमारी आनी चाहिए 2.9 सेंटीमीटर। ओके, तो आप देखिए बेटा, यहाँ पे ए सी की जो लेंथ है हमारी, ए सी इज़ कमिंग 2.9 सेंटीमीटर, ए सी हमारी 2.9 सेंटीमीटर ही आ रही है, क्लियर, एंड बी सी हमारी 4.7 आनी चाहिए, बी सी इज़ 4.7, आप देख सकते हो बी सी इज़ 4.7। सो दैट इज़ द वे टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिस टाइप से आपने किया उस टाइप से आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने, तो मैंने ऑलरेडी आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है, एक बार इनको देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। सबसे पहले ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 7.6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी ए बी 7.6 सेंटीमीटर की, ठीक है। देन ड्रॉ एन एक्यूट एंगल बी एक्स ऑन बेस ए बी, जो बेस हमारा ए बी है इस पर हमने एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया, एंगल बी ए एक्स। ओके, मार्क द रे एज बी एक्स, इस रे को हमने मार्क कर दिया ए एक्स। नाउ ड्रॉ 13 पॉइंट्स और आर्क्स ए वन ए टू ए थर्टीन अप टू ए थर्टीन, ठीक है, इन हमने 13 पॉइंट्स और आप इनको आर्क भी बोल सकते हो, ये हमने 13 आर्क्स और पॉइंट ड्रॉ किए हैं, ठीक है, ऑन द रे ए एक्स, सो दैट ए ए वन ए वन ए टू ए टू ए थ्री अप टू ए ट्वेल्व ए थर्टीन, इन सब की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, यहाँ पे इन सब की लेंथ इक्वल है, ए ए वन ए वन ए टू ए टू ए थ्री ए थ्री ए फोर, इन सब की लेंथ क्या होगी, इक्वल। ओके, नाउ ज्वाइन ए थर्टीन विद बी, अब हमने क्या किया, ए थर्टीन को बी से ज्वाइन कर दिया, एंड एट ए फाइव ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू बी ए थर्टीन, दैट इज ए फाइव सी। ए फाइव पॉइंट पर हमने क्या किया, ए थर्टीन बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए, दैट इज ए फाइव सी, ए फाइव सी। दिस लाइन इंटरसेक्ट ए बी एट सी, ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है ये ए बी को सी पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ओके, देन ऑन मेजरिंग ए सी इक्वल टू 2.9 सेंटीमीटर, जब हमने मेजर किया तो ए सी की वैल्यू 2.9 सेंटीमीटर आ रही है, एंड बी सी इक्वल टू 4.7 सेंटीमीटर। ओके, सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, नाउ वी हैव टू जस्टिफाई, अब हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है, तो जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे, लेट अस सी। जस्टिफिकेशन के लिए हमें क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे हमारे दो ट्राइंगल बन गए, एक ट्राइंगल हमारा बन गया ए ए फाइव सी, एंड सेकेंड ट्राइंगल इज ए ए थर्टीन बी, दो ट्राइंगल बन गए हमारे। हेयर ए फाइव सी इज पैरेलल टू ए थर्टीन बी, यहाँ पे जो हमारी ए फाइव सी है दैट इज़ पैरेलल टू ए थर्टीन बी, वो ए थर्टीन बी के पैरेलल है। सो वी कैन अप्लाई हेयर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इस ट्राइंगल में ए बी सी में, ए बी ए थर्टीन में हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इफ ए लाइन इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट देन इट डिवाइड्स टू साइड्स इन द सेम रेशियो,
इट मीन्स ए सी अपॉन सी बी इज इक्वल टू ए ए फाइव अपॉन में ए फाइव ए थर्टीन, ये हमारा इक्वल होता है। तो ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए ए फाइव अपॉन में ए फाइव ए थर्टीन, ठीक है। आप देख सकते हो ए सी अपॉन सी बी इज इक्वल टू ए फाइव अपॉन ए फाइव ए थर्टीन, ये दोनों हमारे रेशियो सेम रहने वाले हैं। अब यहाँ से देखिए आप, ए ए फाइव तक हमारे फाइव पार्ट्स हो गए और ए फाइव से ए थर्टीन तक हमारे एट पार्ट हो गए। तो इट मीन्स ए ए फाइव से लेके ए ए फाइव ये हमारे फाइव पार्ट्स हो गए, ओके। एंड अप फ्रॉम ए फाइव टू ए थर्टीन ये हमारे एट पार्ट्स हो गए। तो यहाँ से जो रेशियो रहने वाला है ए ए फाइव एंड ए फाइव ए थर्टीन का, वो रहने वाला है फाइव इज टू एट। इट मीन्स ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू फाइव अपॉन एट। सो ए सी इज टू बी सी इज इक्वल टू फाइव इज टू एट। तो यहाँ से हमारा ए सी और बी सी का जो रेशियो है वो हमारा आ गया फाइव इज टू एट, क्लियर। आप कैलकुलेशन से चेक भी कर सकते हो, कैलकुलेशन से हमारी 2.9 एंड 4.7 आ रही है बाय कैलकुलेशन, ठीक है। दैट इज अवर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। और जब हम मेजर करते हैं तो ए सी भी हमारा 2.9 आता है और बी सी भी हमारा 4.7 आता है। इट ओके, सो इट मीन्स बाय दिस वे वी कैन जस्टिफाई अवर कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। सो दैट इज द वे टू डिवाइड एनी लाइन सेगमेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।